पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाके थरपारकर का सहरा अपने अंदर लाजवाल खूबसूरती को समेटे हुए है। यहां कहीं उड़ती हुई रेत नजर आती है तो कहीं ऊंचे नीचे टीले, तो कहीं कुदरती हुस्न से मुजयन खूबसूरत और दिलकश नजारे इसको कुदरत का एक शाहकार बनाते दिखाई देते हैं। ये डेजर्ट जोन दो हिस्सों में बटा हुआ है। इसका शिमाल मगरबी हिस्सा थर और जुनूब मशरकी हिस्सा पारकर कहलाता है। नए साल के आगाज पर फितरी खूबसूरती से मालामाल थरपारकर के सहरा में सयाहत को उजागर करने के लिए 5-7 जनवरी तक महकमा स्पोर्ट्स सिंध और सिंध मोटर एसोसिएशन के तआवुन से 3 रोजा थर फ्लड रिलीफ जीप रैली 2023 का इनेकाद किया गया। जिसका इफ्तिताह वजीर आला सिंध के मुशीर बराए खेल अरबाब लुत्फुल्ला ने किया। टूरिज्म ही दुनिया में अब वाहिद वो इंडस्ट्री रह गई है जिसके थ्रू कमाया जा सकता है, तो ये एक इवेंट है लोगों के लिए, जॉब क्रिएट करने के लिए, लोगों दुनिया को दिखाने के लिए कि थरपारकर बहुत ज़बरदस्त एरिया, आपको घूमना चाहिए यहाँ पे, कि इस मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के थ्रू दूसरे इलाकों को लोग जानना शुरू हुए हैं और वो लोग वहाँ पे जो जहाँ पे ये एरियाज़ को कोई जानता नहीं था उन एरियाज़ को अब वहाँ पे पजीराई मिली है, हर एरिया को अब बंदा जानता है, तो हमने कहा कि थरपारकर पीछे क्यों रहे। इस जीप रैली में मुल्क के नामवर रेसर्स के साथ ख्वातीन रेसर्स ने भी हिस्सा लिया। क्वालिफाइंग राउंड में 67 गाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि स्टॉक कैटेगरी में 44 और प्रिपेयर्ड कैटेगरी में 23 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। क्वालिफाइड राउंड की स्टॉक कैटेगरी में पहली पोजीशन आसिफ इमरान, दूसरी पोजीशन मीर नवाज दस्ती और तीसरी पोजीशन बिलाल चौधरी ने हासिल की। थर फ्लड रिलीफ जीप रैली 2023 के फाइनल राउंड में साहबजादा सुल्तान ने मैदान मारकर फतह को अपने नाम कर लिया। उन्होंने ए कैटेगरी में मुकर्रा फासला 1 घंटा 15 मिनट 21 सेकंड्स में तय किया। बेसिकली दिस रैली वाज डेडिकेटेड टू द पीपल हु आर विक्टिम ऑफ द फ्लड एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल इवेंट एंड होप I am very confident and hopeful that this event will take place in the calendar racing year. जबकि शहराज कुरैशी 1 घंटा 16 मिनट 55 सेकंड्स में फासला तय करके दूसरी पोजीशन पर रहे। उनके साथ शहरयार खान ने 1 घंटा 17 मिनट 24 सेकंड्स में फासला तय करके तीसरी पोजीशन पर रहे। स्टॉक कैटेगरी बी में बिलाल चौधरी ने 1 घंटा 15 मिनट 21 सेकंड्स में मुकर्रा फासला तय करके पहली पोजीशन हासिल की। अकील अहमद 1 घंटा 16 मिनट 55 सेकंड्स में मुकर्रा फासला तय करके दूसरे नंबर पर रहे, जबकि नवाज दस्ती 1 घंटा 17 मिनट 24 सेकंड्स में यही फासला तय करके तीसरे नंबर पर रहे। विमेन कैटेगरी में माहम शिराज ने 1 घंटा 24 मिनट 28 सेकंड्स में फासला तय करके पहली पोजीशन हासिल की। एवरी ट्रैक इज डिफरेंट, एवरी डेजर्ट इज डिफरेंट, टेरेन का फर्क होता है, मिट्टी का फ़र्क होता है ऑब्वियसली, तो अलग अलग होते हैं, कुछ में पत्थर होते हैं कुछ में नहीं होते हैं, कुछ में ड्यून्स होते हैं कुछ में नहीं होते हैं, तो थायर भी उसी तरह से डिफरेंट है।
एंड इट्स क्वाइट फन. थार डेजर्ट बहुत ही खूबसूरत है. यहाँ पे जिन लोगों को नेचर पसंद है, जिन लोगों को कैंपिंग पसंद है, थार डेजर्ट इज़ अ ग्रेट स्पॉट. तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ज़रूर आएँ, थार की खूबसूरती देखें और पाकिस्तान में टूरिज़म करें. इस जीप रैली के मौका पर सहरा के खूबसूरत ऊंटों की दौड़ और सिंध की सकाफती कबड्डी मलाखड़ी के मुकाबले भी मुनक्किद किए गए, जिसमें सिंध के तमाम इजला के पहलवानों ने हिस्सा लिया. इस जीप रैली को यहां आने वाले सयाहों और बासियों ने थर के टीलों पर बैठकर देखा और खूब लुत्फ उठाया. थर के रेगिस्तान में मुनक्कद होने वाली फ्लड रिलीफ जीप रैली 2023 की इख्तितामी तकरीब बेनजीर कल्चरल कम्प्लेक्स मिट्टी में मुनक्कद की गई, जहां मुख्तलिफ कैटेगरीज में जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामात और ट्रॉफियों से नवाजा गया. इस मौका पर इनामात हासिल करने वाले रेसर्स का कहना था कि इस जीप रैली के इनेकाद का खास मकसद दुनिया भर में थर की खूबसूरती को रोशनास करवाना और थरपारकर में सियाहत को फरोग देना. इस मौका पर तकरीब तकसीम इनामात से खिताब करते हुए अरबाब लुत्फुल्लाह का कहना था कि थरपारकर फ्लड रिलीफ जीप रैली 2023 से हासिल होने वाली तमाम आमदन सिंध के सैलाब मुतासरीन की फलाह बहबूद पर खर्च की जाएगी और जिन लोगों के घर सैलाब से मुतासिर हुए हैं, हुकूमत सिंध की जानिब से उनको घर बना कर दिए जाएंगे.